हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसानी से क्रशंत बनाएंगे और ये क्रशंत है वो एकदम सॉफ्ट, मुलायम एंड जालीदार हमारा बनेगा। तो चलिए हम क्रशंत बनाने के लिए सबसे पहले डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे हमने बाउल में आधा कप गरम मिल्क डाला है। वार्म गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। उसके बाद उसमें हम 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट डालेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून शुगर, तो यहाँ पे हमने ब्राउन शुगर डाला है, आप रेगुलर शुगर भी डाल सकते हो। बटर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अभी हम ये बैटर को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 5 मिनट तक हम ईस्ट को रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा ईस्ट फूल के रेडी हो जाए। 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ईस्ट अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है। तो हम उसमें 2 कप भर के मैदा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये डो एकदम सॉफ्ट रखना है, तो हम उसमें फिर से गरम मिल्क डालेंगे। तो 1/4 कप में अभी मिल्क डाल रही हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से थोड़ा सा डालूंगी। तो ये डो थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं फिर से 1 टेबल स्पून जितना मिल्क डाल रही हूँ। तो पहले हमने आधा कप डाला था, उसके बाद 1/4 कप, उसके बाद 1 टेबल स्पून डाला है। तो टोटल हमारा 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा मिल्क यूज हुआ है। तो ये डो को हम अच्छे से मसल के रेडी कर लेंगे, मतलब अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो लीजिए हमारा डो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से गोल लड्डू की तरह बना लीजिए। अभी हम बाउल के ऊपर एक प्लास्टिक से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड, जब भी आप डो बनाइए तभी बाउल को अच्छे से कवर कर दीजिए, उसकी वजह से ये डो है वो अच्छा खासा फूलता है। तो ये डो को मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी, क्योंकि गर्मी की सीजन है, तो गर्मी में 1 घंटे में ये फूल के रेडी हो जाएगा। तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म था, तो ये 1 घंटे में हमारा अच्छा खासा डो फूल के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से डो फूलेगा तो ही आपका क्रशंत अच्छा बनेगा, नहीं तो ये क्रशंत भी नहीं फूलेगा। तो ये डो को हम अच्छे से मसल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लिया है, तो उसके ऊपर ड्राई आटा डाल के ये डो से रोल बना लेंगे। रोल बना के हम एकदम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के हम एक छोटा सा बॉल बना लेते हैं। बॉर्डर से इस तरह से कवर कर लीजिए ताकि डो में भी थोड़ी सी हवा चली जाएगी, तो उसकी वजह से बॉल फिर से फूलेगा।
तो लीजिए, हमने 2 कप मैदा से 11 जितना बॉल रेडी कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर हम ड्राई आटा डालेंगे, वो भी मैंने मैदा का आटा लिया है। उसके बाद हम ये बॉल रख के एकदम पतली एंड मोटी रोटी बेलेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इस तरह से बेलना है, लेकिन रोटी एकदम पतली रखना है, मतलब जितनी आपसे हो पाए उतनी रोटी को पतली एंड मोटी रखना है। तो हम एकदम पतली रोटी बेल लेते हैं। तो लीजिए, हमारी एकदम पतली एंड मोटी रोटी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से दूसरा जो बोल है उससे भी हम रोटी बना लेते हैं। तो लीजिए, हमारी शीट रेडी हो चुकी है। तो हमने 11 रोटी बेला है, तो ये क्रशांत बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से आप लेयर बनाएंगे तो 100% आपका क्रशांत परफेक्ट बनेगा और अच्छा खासा लेयर भी पड़ेगा। 11 रोटी बेल लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये रोटी के ऊपर हम बटर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 स्टिक अनसॉल्टेड बटर लिया है, आप बटर भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो। तो ये बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, तो हमारा बटर एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आधा कप ये बटर है, तो ये बटर को हम एक बाउल में डाल के थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो लीजिए, हमारा बटर स्मूथ हो चुका है, तो हम रोटी के ऊपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से रोटी रखेंगे, उसके बाद हम आधी स्पून से थोड़ा ज्यादा बटर लेके ये रोटी के ऊपर हम अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से बटर डाल के दूसरी रोटी रखेंगे, दूसरी रोटी के ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। तो इस तरह से एक एक रोटी रख के उसके ऊपर बटर लगा लेना है।
तो लीजिए हमारा परफेक्ट बटर यूज हो चुका है। आधा कप हमने बटर लिया था तो 11 रोटी में हमने आधा कप बटर लगा लिया है। अभी हम लास्ट वाली रोटी रख देते हैं। रोटी रख के हम बेलन से थोड़ा सा बेल लेते हैं ताकि ये शीट थोड़ी सी पतली भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर आपका जो गर्म है तो ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो ये शीट को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हो ताकि बटर अच्छे से सेट हो जाए। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली बेलन से बेल रही हूँ। तो इस तरह से शीट को पत्ती कर लेना है। तो लीजिए हमारी क्रशांत के लिए शीट रेडी हो चुकी है। तो ये क्रशांत में हम चॉकलेट डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने व्हाइट चॉकलेट लिया है, आप चाहे तो डार्क कोई भी आपकी मनपसंद की चॉकलेट ये क्रशांत में डाल सकते हो। और खास करके फ्रेंड्स, क्रशांत में चॉकलेट जरूर डालिए, उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने व्हाइट चॉकलेट लिया है। तो क्रशांत के लिए हमारी चॉकलेट भी रेडी है और हमारी शीट भी रेडी है। तो चलिए हम ये शीट को कट कर लेते हैं। तो जिस तरह से पिज्जा को कट करते हैं इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो क्रशांत की साइज आपको जितनी छोटी मोटी रखना है उस हिसाब से आप कट लगा सकते हो। तो लीजिए हमने शीट कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये शीट इस तरह से थोड़ा सा कट कर देंगे और उसके ऊपर हम चॉकलेट रखेंगे। तो चॉकलेट आप ज्यादा कम आप अपना हिसाब से रख सकते हो, लेकिन एक क्रशन में थोड़ी ज्यादा चॉकलेट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको जितनी पसंद है उतनी डाल सकते हो। तो इस तरह से रोलिंग कर लेना है। तो लीजिए हमारा फर्स्ट वाला क्रशन रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम जो दूसरी शीट है उससे भी हम क्रशन बना लेते हैं। एक बड़ी ट्रे में हमने फॉइल लगा लिया था, उसके ऊपर हमने क्रशंत रख दिया है। तो देखिए ये शीट में परफेक्ट लेयर दिख रहा है। तो इस तरह से एक एक रोटी बना के लेयर बनाना है तो हमारी परफेक्ट शीट बनेगी। तो लीची हमारा क्रशंत रेडी हो चुका है। एक क्रशंत के ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। तो बटर भी लगा सकते हो, मिल्क भी लगा सकते हो, और मिल्क एंड बटर थोड़ा सा मिक्स करके वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने बटर लगा लिया है। अभी हम एक क्रशंत को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो उसके ऊपर हम एक क्लॉथ डाल के एक क्रशंत को हम 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि हमारा क्रशंत अच्छा खासा फूल के रेडी हो जाए। 1 घंटे के बाद हम एक क्रशांत को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्रशांत अच्छा खासा फूल के रेडी हो चुका है। और दूसरी साइड मैंने ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो ओवन भी हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ओवन को अच्छे से गर्म कर लीजिए ताकि फटाफट गर्म हीट में ये अच्छे से फूल जाए। तो हम ये ट्रे को ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। जब तक ये क्रशांत ऊपर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम एक क्रशांत को बेक करेंगे। तो ओवन का टेम्परेचर मैंने 350 फ़ारेनहाइट ऊपर रखा है और कितना टाइम पर बेक होगा वो भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी।
तो लीजिए हमारा क्रशंत रेडी हो चुका है। तो ये क्रशंत को बेक होने में आधा घंटा जितना टाइम लगा है, थोड़ा सा मैंने ये क्रशंत को पलट दिया था ताकि दोनों साइड हमारा क्रशंत अच्छे से बेक हो जाए। तो ये गरम गरम क्रशंत ऊपर हम बटर लगा लेते हैं ताकि ऊपर का लेयर थोड़ा सा ये जो कड़क दिख रहा है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्रशंत के ऊपर हम बटर लगा के तुरंत हम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे। उसकी वजह से क्रशंत एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अंदर से तो एकदम सॉफ्ट ही है लेकिन ऊपर का जो लेयर है वो थोड़ा सा कड़क दिख रहा है। तो इस तरह से बटर लगा के फॉइल से कवर करके 1 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप सर्व कीजिए। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में क्रशांत को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा खाने के लिए क्रशांत रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक क्रशांत की रेसिपी परफेक्ट बनी है। अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुलायम एंड जालीदार हमारा क्रशांत बना था। बाहर का जो लेयर है वो थोड़ा सा दिखने में कड़क लग रहा है लेकिन बहुत मुलायम बना था और बच्चे को तो ये जरूर पसंद आएगा। तो इस तरह से क्रशांत बना के आप 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हो। इस तरह से रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।